अगर हलाले के बाद पहले शोहर से शादी कर ली जाए, अब देखो इतने सारे सवाल आते हैं ना, क्लिप नहीं आएगा, इस पे आएगा क्लिप, हलाला आ गया ना इसमें, तो वो दबा के क्लिप चलेंगे, फिर लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब का इसके अलावा कोई टॉपिक है ही नहीं। वो मेरा कसूर नहीं है, वो जो यूट्यूब के क्लिप बनाने वाले हैं वो ऐसी चीज, क्योंकि उनको पता है नौजवान लोग ऐसी चीज़ ही सर्च करते हैं। अगर हलाले के बाद पहले शोहर से शादी कर ली जाए तो शोहर के पास दोबारा तीन तलाक का हक आ जाता है, ये एक में या एक ही दफ़ा तलाक देने से तलाक मुखल्लस नहीं, नहीं तीन तलाकों का हक आ जाता है उसके पास। क्या बेवा और तलाक याफ्ता की इद्दत में फ़र्क है, और तलाक याफ्ता के लिए इद्दत ज़रूरी है, अगर इद्दत ना गुजारे तो क्या कफारा है? कबीरा गुनाह है, तलाक याफ्ता पर भी इद्दत वाजिब है, बेवा पर भी, दोनों की इद्दत में फ़र्क है कि तलाक याफ्ता की इद्दत है तीन दफ़ा मेंसेस आए हैज़ आके ख़त्म हो जाए, और बेवा की इद्दत है चार महीने दस दिन, और अगर प्रेगनेंसी है तो फिर दोनों की इद्दत सेम है, बच्चा जैसे ही पैदा होगा इद्दत ख़त्म हो जाएगी। शोहर का इंतकाल हुआ और अगले मिनट में या अगले घंटे में बच्चा पैदा हो गया तो औरत की इद्दत ख़त्म।